हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल माना आपका फिर स्वागत करता हूँ ड्रीम वर्ल्ड में। फ्रेंड्स, आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं। पहला टॉपिक आज जो हमारा आने वाला है वो ये है कि कंप्यूटर को खरीदने से पहले हमें किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, कंप्यूटर में कौन कौन से पार्ट लगवाने चाहिए, कौन कौन से अपग्रेडेशन कराने चाहिए, ये सब हम इसके अंदर आज देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरे साथ तो देखते हैं कौन कौन से पार्ट्स को हम लगाएंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज उसको शेयर भी कर सकते हैं, और वीडियो को पूरी एंड तक जरूर देखिए क्योंकि बहुत ही बड़ा टॉपिक आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले आज हम देखेंगे कि अगर हमें कंप्यूटर खरीदना है तो उसके लिए हमें क्या पार्ट्स की जरूरत पड़ेगी। फर्स्टली हमारा है प्रोसेसर। तो प्रोसेसर हमारा एक बेस, एक ऐसा पार्ट है जिसके ऊपर पूरा सिस्टम अपग्रेडेशन की जाती है। मींस अगर आप चाहते हैं कि सिस्टम को आपने अच्छा सिस्टम बनाना चाहते हैं, अच्छे हैवी उसके अंदर इंस्टॉलेशन हो, तो उसके लिए प्रोसेसर का अच्छा होना जरूरी है। लेकिन अगर आपका काम सिर्फ इंटरनेट सर्फिंग है, या आप मूवीज देखना चाहते हैं, या आप सिर्फ एमएस ऑफिस पे काम करना चाहते हैं, तो आई थिंक i3 प्रोसेसर इज द बेस्ट ऑप्शन आपके लिए। i3 प्रोसेसर लगवा सकते हैं या ड्यूल कोर्स आप भी प्रोसेसर लगवा सकते हैं। काम दोनों का सेम ही है, बस थोड़ा सा स्पीड का और अपग्रेडेशन का फर्क आ जाएगा। इसके बाद हमारा i7 आता है, i5 आता है। ये डिपेंड ऑन यू कि अगर आप आपका वर्किंग के हिसाब से कि आप ऐसे गेम्स खेलनी है तो उसके ऊपर भी आपका डिपेंड करता है कि गेम्स पे कौन सा प्रोसेसर चाहिए, कौन सा लोड उठा सकता है, तो ये सब हमारा इस पे काम आता है। तो मेन पार्ट है हमारा इसका प्रोसेसर। हमारा सेकेंड पार्ट है रैम। रैम एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे कंप्यूटर के लिए, क्योंकि रैम का फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका बेसिकली काम है कि आपके सिस्टम के अंदर कितनी स्पीड से डाटा ट्रांसफ़र किया जाता है, उसको डिलीट करके किस तरह बिन में लेके जाते हैं, तो ये सब काम करना, मींस का डाटा का एक जगह दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना, स्पीड उसको देखना, तो ये सब काम हमारे रैम का है। अगर आपने अच्छा एक प्रोसेसर लगवाया, मींस एक i3 प्रोसेसर लगवाया, तो उसके साथ 2 GB, 4 GB, 8 GB तक आप रैम लगवा सकते हैं, और 8+8 GB भी आप लगवा सकते हैं, क्योंकि 2 स्लॉट्स कई बार मदरबोर्ड में दिए जाते हैं, तो आप 8+8 16 GB तक आप इसको कर सकते हैं। तो जितनी ज़्यादा स्पीड, जितनी ज़्यादा रैम होगी उतनी अच्छी इसकी स्पीड मिलेगी आपको। थर्ड हमारा आता है इसके अंदर हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क एक ऐसी एक डिवाइस है जिसके अंदर हम डाटा स्टोर करते हैं, इसलिए हम हार्ड डिस्क को स्टोरेज डिवाइस ही बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, हार्ड डिस्क का जो स्पेस काउंट किया जाता है वो GB में या TB में किया जाता है। अगर आपकी हार्ड डिस्क 500 GB की है तो आप 500 GB तक का डाटा उसके अंदर लोड कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपका किस वे पे काम है। अगर आपका बजट कम है तो आप हार्ड डिस्क कम भी ले सकते हैं। अगर आपका बजट है कि आप आगे अपग्रेड करना चाहते हैं सिस्टम को, तो 1 TB तक की हार्ड डिस्क को आप परचेज कर सकते हैं, जिससे कि आपका डाटा ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर सेव हो सके। तो ये है हमारा हार्ड डिस्क। देन है हमारा फोर्थ पार्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जितने भी पार्ट्स आपको मैं बता रहा हूँ, ये सब के सब इस पार्ट के ऊपर अटैच किए जाते हैं, और वो है हमारा मदरबोर्ड। मदरबोर्ड एक ऐसा पार्ट है जिसके ऊपर सारे सिस्टम के पार्ट्स को अटैच किया जाता है। जितना उसके अंदर स्लॉट्स होंगे उतना ही हमारा मदरबोर्ड अच्छा काम करेगा। कितनी पावर सप्लाई करनी है, किस पार्ट का अटैचमेंट कहाँ करनी है, ये सब मदरबोर्ड का काम है। तो मदरबोर्ड को परचेज करने से पहले आप ये ध्यान रखिए कि मदरबोर्ड के अंदर हमारे USB पोर्ट कितने हैं, हमारे ग्राफिक कार्ड का ऑप्शन है या नहीं है, या आजकल ग्राफिक कार्ड का ऑप्शन लगा है उसके अंदर मिल रहा है आपको, और साथ ही कितने स्लॉट्स आपको मिल रहे हैं एक्स्ट्रा डिवाइसेस लगाने के लिए। तो ये सब चीज़ें भी आपको इसके अंदर देखनी है, और मदरबोर्ड के बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे मार्केट के अंदर, तो वो डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर। जिसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है, वो है CD-ROM या DVD राइटर जिसे आप कहते हैं। देखिए, ये एक ऑप्शन आएगा अगर आप चाहते हैं कि DVD राइटर आपको मूवीज़ देखनी है, या आपको कोई CDs चलानी है, या आपको सॉफ्टवेयर लोड करने हैं CDs के थ्रू, तो आप DVD राइटर या CD राइटर आप लगवा सकते हैं। DVD जो DVD चलाई जाती है, राइटर मींस जिसको DVD की DVD आप कॉपी कर सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं DVD राइटर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है कैबिनेट। अब कई बार लोग कहते हैं कि कैबिनेट तो नॉर्मल कोई भी यूज़ कर लो सब चल जाती हैं, लेकिन सॉरी, ये आपकी बात गलत है, क्योंकि कैबिनेट का चूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैबिनेट एक अच्छी कैबिनेट लीजिए, क्योंकि अगर अच्छी कैबिनेट नहीं है तो आपको उसके अंदर प्रॉब्लम आ सकती है, और वो प्रॉब्लम होती है SMPS, स्विच मोड पावर सप्लाई, मींस जो आपको पावर प्रोवाइड करती है जिसके अंदर SMPS लगा होता है। अगर SMPS ठीक नहीं होगा और आपने 100-200 के लिए हल्की कैबिनेट ले ली, तो पावर सप्लाई में प्रॉब्लम आ सकती है और सिस्टम में प्रॉब्लम आ सकती है। उसके बाद हमारा आता है मोनिटर। अब देखिए, डिस्प्ले, अब सिस्टम हमारा रेडी हो चुका है, अब उसके लिए आपको डिस्प्ले चाहिए, डिस्प्ले के लिए मोनिटर चाहिए।
मॉनिटर हमारा कई इंचज में आता है। अगर आपका गेम्स का काम, ग्राफिक्स का काम है, गेम्स खेलते हैं, तो आप बड़ा मॉनिटर भी ले सकते हैं। अगर आपका काम सिर्फ एमएस ऑफिस या इंटरनेट चलाना है, तो आप छोटे ऑप्शंस को लीजिए, जिससे कि आपका बजट भी नॉर्मल रहे और आपका सिस्टम भी रेडी हो जाए। तो उसके बाद हमारा आता है कीबोर्ड। कीबोर्ड और माउस, ये दो ऑप्शन है हमारे पास, ये दोनों को लेना जरूरी है, क्योंकि कीबोर्ड से टाइपिंग की जाती है और माउस से कोई भी एप्लीकेशन ओपन करनी हो तो उसको किया जाता है। आजकल नए ऑप्शन भी आ गए हैं, आप वायर्ड भी ले सकते हो और विदाउट वायर भी ले सकते हो। स्पीकर्स हैं आपके अपने अकॉर्डिंग, स्पीकर्स लीजिए, 2, 4.1 आते हैं, 5.1 चैनल आते हैं, या 2 स्पीकर्स आते हैं, या वूफर विद वूफर आते हैं, आप जो भी लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। इसके साथ साथ आप ये भी देखिए कि आपके मदरबोर्ड के पोर्ट के अंदर क्या एचडीएमआई पोर्ट लगा हुआ है। एचडीएमआई पोर्ट भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल एचडीएमआई पोर्ट के थ्रू अपने सिस्टम को आप शेयर कर सकते हैं अपने एलईडी स्क्रीन के साथ। तो ये है हमारे पूरा कंप्यूटर का डिस्क्रिप्शन। देखा फ्रेंड्स आपने कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको हमने बताया कि नया सिस्टम लेने के लिए आपको कौन कौन से पार्ट की जरूरत है। इसी तरह हम आगे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लेके आते रहेंगे। अगर आपको इस टॉपिक के अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, या आपको नया सिस्टम खरीदना है, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या आप हमें कमेंट के जरिए आप बता सकते हैं कि आपको नया सिस्टम खरीदने से पहले आपको कौन कौन सी जानकारी आपको चाहिए, या क्या आपको लेना है, कौन सा पार्ट लेना है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको बताएंगे पूरा इसके बारे में। और इसके अलावा कौन सा ऑप्शन आपको सही रहेगा, या आपके कौन से पार्ट को लेना चाहिए, ये सब आपकी जानकारी भी हम इसको आपको कमेंट के जरिए बता देंगे। लेकिन फिलहाल अगर आपने मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों से भी सब्सक्राइब कराइए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आप अगर इस तरह से सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को देखेंगे, लाइक करेंगे, तो हम इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके साथ शेयर करते रहेंगे। और आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो प्लीज़ आप हमें शेयर कीजिए, हम आपका कुछ जवाब जरूर देंगे। तो प्लीज़ बने रहे मेरे चैनल के साथ, और देखते रहे मेरे चैनल को, ड्रीम वर्ल्ड को। थैंक यू।